ओके गूगल, डिजाइन सम इमेजेस ऑफ फ्यूचरिस्टिक बाइक। A mountain bike with self-adjusting suspension and morphing wheels, effortlessly navigating a challenging off-road trail. So guys, ये है जेमिनी, और ये जेमिनी ऐप आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है इनबिल्ट, यानी कि जो गूगल असिस्टेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो ऐप है ये एक्चुअली गूगल असिस्टेंट की ऐप थी। सो ये ऐप अपडेट होने के बाद जेमिनी ऐप में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब इसका जो यूआई है वो कुछ ऐसा है। गूगल जेमिनी जो एआई है नया, ऐसा अब आपको इंटरफेस मिलेगा। सो कैसे आप इसे यूज़ और सेटअप कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद इसमें आपको ये सब सारी चीज़ें इसमें सेटअप वगैरह करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक ही चीज़ है यहाँ पे सेटअप करना है आपको, गूगल असिस्टेंट फीचर्स इन जेमिनी, ये आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, लॉक स्क्रीन वगैरह, ये सारी जो पर्सनल डिटेल्स है, लॉक स्क्रीन और ये जो कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये सब आप यूज़ कर पाएंगे गूगल जेमिनी को। और ये जो है कमांड, गूगल जैसे ओके गूगल बोलते हैं तो ही ये जो है ना कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएंगे आपको, ये सभी आपको गूगल असिस्टेंट के जैसे आपको दे देगा। गूगल जेमिनी को यूज़ करने के लिए देखिए, आपको यहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं डायरेक्टली। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये और भी सारे जो प्रॉम्प्ट हैं अलग अलग टाइप के हैं। अगर आपको इमेज जनरेट करना है, फ़ोटो वगैरह आपको डायरेक्ट अपलोड करके स्कैन करना है, कोई भी फ़ोटो है उसको आप शेयर कर सकते हैं, जैसे गूगल में आप कर सकते थे। और उसमें आपको गूगल फ़ोटोज़ के बारे में कौन कौन सी डिटेल्स के, या फिर वो फ़ोटो से रिलेटेड और फ़ोटोज़ होते थे वो बता सकता था, सेम ऐसा हो सकता है। यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, डायरेक्ट माइक पे क्लिक करके आप इसको कमांड कर सकते हो। ठीक, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, जैसे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई, सो ऐसे टाइप हो जाता है, और आप इसको जस्ट मैसेज सेंड करेंगे तो देखिए ऐसे आपको ये प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करके दे देगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये मिस्टेक जरूर कर देता है। सेम ऐसा चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, चैट जीपीटी के साथ में भी होता है कि जो एआई है कुछ ना कुछ मिस्टेक करने की वजह से ये डिफरेंट लैंग्वेज में आपको जवाब दे सकता है। तो इसको जो है आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एडिट, मॉडिफाई, देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको गूगल के जेमिनी वाली जो वेबसाइट है उसमें नहीं मिलते थे, लेकिन अभी आपको ये जो ऐप है इसमें मिल जाते हैं। और इसमें डायरेक्टली ऐप जो कनेक्ट होती है, तो जैसे आप अगर एक्सपोर्ट टू जीमेल करेंगे तो सीधा ये जीमेल ऐप में ओपन हो जाएगा। और ये मॉडिफाई रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी और सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये भी ऑप्शंस आपको गूगल जेमिनी में मिल जाते थे। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको इसको चेंज करना है तो देखिए, या इसमें आपको यहाँ पे देखिए अदर ड्राफ्ट्स का एक ऑप्शन मिलता है। ओके, अदर ड्राफ्ट्स में आई थिंक इसमें जो तीन ड्राफ्ट्स आते थे वो आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, 1, 2 और ये 3, तीन ड्राफ्ट ही इसमें आते थे और रीजनरेट का ऑप्शन आता था। तो ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है वैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले ड्राफ्ट में ये कुछ मिस्टेक्स है, चाइनीज़ लैंग्वेज में इनबिल्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो सीधा इंग्लिश में राइट किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी इंग्लिश में ही राइट है। तो आप यूज़ दिस बटन वाला यूज़ कर सकते हैं, और ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग इन हिंदी। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी इसने एक कमांड ले लिया है, थोड़ी देर में ये प्रोसेस करके आंसर कर सकते हैं। कंप्यूटिंग का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धि। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा जैसे टेक्स्ट है तुरंत ही राइट हो गया है। इसके बाद आप इसे देखिए कॉपी करना चाहें, कॉपी पेस्ट वगैरह सब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, शेयर का बटन है। इसके बाद इसको आप सुनना चाहें डायरेक्टली इसी पे क्लिक कर सकते हैं, स्पीकर के बटन पे, तो ये आपको उसको सुना सकता है। और यहाँ पे देखिए, इमेज जनरेट करना है तो आप डायरेक्टली इमेज के लिए भी आप इसको कमांड दे सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में रहा था। मैं फिर से इसी कमांड को ट्राई करता हूँ। ओके गूगल, जनरेट अ इमेज ऑफ फ्यूचर कार्स। सो अब जैसे कि देखें, कमांड फिर से इसने ले लिया है तुरंत ही, और ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है। गूगल असिस्टेंट में कभी कभी ऐसा होता था कि रिस्पॉन्ड नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। और श्योर, हियर इज एन इमेज ऑफ फ्यूचर कार्स,
Imagine of generator image of future cars, a photorealistic image of sleek, aerodynamic future cars cruising down a neon lit highway. सो ऐसे आप और भी इमेजेस जनरेट करना चाहें जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बिकॉज देखिए इसमें पहली चीज़ तो और भी जो AI टूल्स है उनमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो वो चीज़ पेड होता था, यानी कि उसमें जो लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास होते थे कुछ लिमिटेड फ़ोटोज ही आप जनरेट कर पाते थे, जैसे कि लेक्सिका करके AI टूल था उसमें, ठीक। तो इसमें आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मिल जाती हैं, इसके बाद आपको बहुत सारे और भी एक्सटेंशन वगैरह मिल जाते हैं जो कि ChatGPT में पेड हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। इसके बाद यहाँ और भी फीचर्स की बात करेगा इस, तो देखिए इसमें बैक आ जाते हैं एक बार, और यहाँ पे आपको कोई भी इधर ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप ये जो फ़ोटो वाले आइकन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है, अपडेट वाला ऑप्शन है। एक्सटेंशन में जाएंगे तो देखिए एक्सटेंशन में आपको वही सेम एक्सटेंशन मिल जाते हैं जो कि Gemini वेबसाइट पे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो वेबसाइट और ऐप है वो सेम ही है एक तरह से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐप के हिसाब से इसमें डाली गई हैं और वेबसाइट पे थोड़ी अलग हैं। तो ऐप में और वेबसाइट में जो एक्सटेंशन है वो हालांकि देखिए सेम ही मिलते हैं आपको। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जानकारी के लिए आप इसमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह है, और अगर आप प्रॉम्प्ट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ इन फ्यूचर। और गाइज इसके बाद अगर आप ChatGPT ऐप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी मेरे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, और कंपैरिजन वाले ट्यूटोरियल्स तो मैंने अभी अपलोड कर दिए हैं तो वो आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था Gemini ऐप, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपने वीडियो में देखा। इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल का वीडियो भी कुछ दिनों में आ जाएगा, और अगर आप नॉर्मली लाइट ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ऑलराइट गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।